यस सर। यस सर। ओके सारे बच्चे आ गए? सर सायन नहीं आया अभी तक। ओके आदित्य प्रकाश है, सुयशपाल है, संचिता विश्वास है। ओके थोड़ा सा वेट कर लेते। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि बेस्ट टीचर, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि बेस्ट टीचर इन स्कूल, तो आपके स्कूल में बस समझ में नहीं ना, आपके स्कूल में जो आपके लिए बेस्ट टीचर होगा वो हो सकता है सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को मैथ्स टीचर पसंद है, किसी को हिंदी टीचर पसंद है, किसी को इंग्लिश टीचर पसंद है, किसी को कंप्यूटर टीचर पसंद होते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, सब टीचर्स का नाम लिखना है आपको, तो सबका आंसर सेम आएगा ना वहां पे? यस। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग वेल डिफाइंड, मतलब सबके लिए वो डिफाइन होना चाहिए, सबके लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दो माई स्कूल का। ओके बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, माई स्कूल में बेस्ट टीचर जो होगा वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए रवि सर बेस्ट होंगे, किसी के लिए प्रवीण सर बेस्ट होंगे, किसी के लिए अनिल सर बेस्ट होंगे, किसी के लिए अरविंद सर बेस्ट होंगे, किसी के लिए राजीव सर बेस्ट हो सकते हैं, किसी के लिए आलोक सर, किसी के लिए संदीप सर। बट अगर मैं बोलूं कि ऑल टीचर्स इन माई स्कूल, देन सबका देखो आंसर सेम आने वाला है, है ना? इसमें रवि सर भी हो जाएंगे, प्रवीण सर भी हो जाएंगे, अनिल सर भी हो जाएंगे, आलोक सर भी हो जाएंगे, अरविंद सर भी है, संदीप सर भी है, राजीव सर भी है। और इन्हीं सारे टीचर्स, मान लो यहाँ पे जितने भी टीचर्स मैंने लिखा है नाम, ठीक है, इन सारे टीचर्स को मैं जब कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, इसमें सारे टीचर्स को हम लोगों ने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में लिखा, और हर एक टीचर यहाँ पर जो हर एक एलिमेंट है ना, यहाँ पर समझो यहाँ पर हर एक टीचर है, राजीव सर, प्रवीण सर जो भी है, तो यहाँ पे हर टीचर जो नाम लिखा हुआ है ना, हर एक टीचर के सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्स है। मतलब यहाँ पे ये जो सेट है, इस सेट में रवि सर भी एक एलिमेंट है, प्रवीण सर भी एक एलिमेंट है, अनिल सर भी एक एलिमेंट है, आलोक सर भी एक एलिमेंट है, हर एक टीचर से एक एलिमेंट है इस सेट का। जैसे मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ वॉयल्स के बारे में, ए ई आई ओ यू, तो ए यहाँ पे क्या है इसका, इस सेट का एलिमेंट है। देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ना, सो ए एक एलिमेंट है, ई एक एलिमेंट है इस सेट का, आई एक एलिमेंट है इस सेट का, ओ इस एक एलिमेंट है इस सेट वॉयल्स का, और यू एक एलिमेंट है एक सेट का। समझ में आ रहा है ना? सो वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो पहले। यस सर। पक्का क्लियर हो गया ना? संजीता समझ में आया बाबू? इस सेट क्या होता है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया? सो हम लोग पेज टर्न करें, लिखना है किसी को? सर वी विल कॉपी दिस एग्जांपल्स। कॉपी करना तो कर सकते हो। ठीक सर, मतलब कॉपी मन है करने, समझने का मन है तो कर सकते हो, नहीं तो पेस्ट टर्न कर रहा हूँ मैं, आगे बताता हूँ। नहीं सर टर्न कर दीजिए। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट समझ में आ गया? सेट सेट क्या है बताओ? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्लियर हुआ ना? वेल डिफाइंड क्या है? यस। ओके अब देखो बोल रहा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था एलिमेंट्स के बारे में, है ना? ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया था एलिमेंट्स क्या है, उस सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसी को बोलते हैं क्या, एलिमेंट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स, ओके द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू फॉर्म ए सेट, जो जो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक सेट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, ओके एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और इसको हम लोग मेंबर्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा सबको? ओके इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और इसको मेंबर्स भी बोल सकते हैं। समझ में आया सबको? आदित्य प्रकाश,
संचिता विश्वास ओके सो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया आपको समझा दिया सेट क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है समझना है। देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया कि कर्ली ब्रैकेट में उसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, है ना, कर्ली ब्रैकेट में उसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे और वो इस पूरे सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो हम लोग उसको कैपिटल लेटर ए से बी से सी से कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग एक सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट में होंगे। तो ये तरीका है एक सेट को रिप्रेजेंट करने का। समझ में? यस सर। ओके सब क्लियर हो रहा है? देखो सो मैंने यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स लिया था पहले समझाने के लिए। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं वर्ड्स का एग्जांपल लेता हूं तो ए ई आई ओ यू होगा ना। देखो हर एक एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया कर्ली ब्रैकेट में और हर एक एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा कॉमा का साइन होगा। समझ में आ रहा? और उसको हम लोग इस पूरे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कैपिटल लेटर से। तो हम लोगों ने कैपिटल लेटर ले लिया ए, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स था सेट का। क्लियर हुआ यहाँ पे? इसको हम लोग ए की जगह वी भी ले सकते हैं, ठीक है। इस एक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इस ए की जगह पे हम लोग वी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? वी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू। समझ में आया सबको? ओके फिर देखो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ टर्म्स कुछ सिंबल्स यूज करेंगे वो समझो। यहाँ पे देखो एक सिंबल है ऐसा और ये एक सिंबल है ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट। समझ में आया आपको ये दोनों पॉइंट? बाबू सबको समझ में आ रहा है? सैन माझी, सुरेश पॉल, आदित्य प्रकाश। ओके देखो अब मैंने आपको यहाँ पे जो बताया आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ए, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट है ए, ये एलिमेंट ए जो है किस सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट वी से ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी। अगर ए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एज्यूम करते हैं इस पूरे सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल वी के साथ। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट है ए वो किसमें बिलोंग कर रहा है? वी से। वी क्या है? सेट है वोवेल्स का। वी क्या है? सेट है वोवेल्स का। बट अगर मैं बोलूं कि बी जो है वो क्या बिलोंग कर रहा है वी से, देखो तो इस पूरे सेट में देखो बी दिख रहा है कहीं आपको? नहीं दिख रहा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी इज डज नॉट बिलोंग्स टू वी। समझ में आया? अब इसका मतलब समझ में आया कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का काम का क्या करना है हम लोग को, कि उसके एलिमेंट जो सेट में है या नहीं। ओके जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर मैं चलो 5 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 7 लेता हूँ, ठीक है, इस सेट में। और ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर का ये सेट में ले रहा हूँ, ठीक है, अप टू 7। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो 2 है वो 2 बिलोंग कर रहा है, देखो एन को, ये 2 क्या नेचुरल नंबर का सेट में आया क्या? यस। बट मैं बोलूं कि चेक करो 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, देखो तो नो सर। लिखेंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। समझ में आया आपको? अगर मैं बोलूं -1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस और नो? नो सर। नो सर। तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ यहां तक सबको? क्लियर हुआ? ओके अगर ये देखो नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग अब मूव करेंगे एक सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो वे में, ठीक है, दो दो मेथड है, दो तरीका है, ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हम लोग यूज करेंगे।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग दो टाइप्स के देखेंगे कि हम लोग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लो, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो पहले पूछ लो। संजीता विश्वास, आदित्य प्रकाश, शरण माझी, सरोज पॉल, किसी को दिक्कत है बाबू? सर हम बोल रहे कि does not belongs to का जो साइन है वो कैसे करते हैं, एकदम सीधा या फिर टेढ़ा? टेढ़ा कर सकते हो सर, अगर सीधा करेंगे तो गलती होगा? गलती नहीं होगा, बट ऐसे करना सही रहता है, सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बोलो किसी को डाउट है कुछ इस यहाँ तक जो भी पढ़े हैं अभी हम लोग सेट्स में? अभी हम लोग यहाँ तक जो भी पढ़े हैं, कोई किसी को डाउट है? वैसे बच्चा सर रोज संडे को इतना ही बजे क्लास होगा, कोई दिक्कत है क्या बाबू? बोलो, हम तो आपसे पूछ के ही क्लास किए थे ना आप लोग से। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कौन बोल रहा है वैसे? सर आदित्य सर भूल गया था कि संडे को 8 बजे है। एक्चुअली मैं भूल गया था, मैं 7 बजे उठा तो याद आया कि अरे मेरा तो क्लास था, फिर याद आया 8 बजे क्लास में बोले थे ना शायद। आप लोग मैसेज भी किए थे बहुत सारे ग्रुप में कि सर क्लास मतलब मीटिंग आईडी पासवर्ड, मीटिंग आईडी पासवर्ड। तो मैं सोच रहा था कि लेट हो गया शायद, फिर याद आया नहीं मैंने तो शायद आपसे बोला था, आप लोग से पूछ के ही टाइम सेट किया था 8 बजे। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ओके ओके, बेस्ट होगा, मतलब एक दिन रेस्ट हो जाता आप लोग को भी और हम लोग को भी रेस्ट मिल जाता। हम लोग रोज 6:30 बजे क्लास ले रहे हैं तो एक दिन मेरे लिए भी रेस्ट है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ओके, सो पेज चेंज करें, पेज टर्न कर रहे हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हेडिंग दीजिए आप लोग, ऑफ ए सेट। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक होगा। अभी हम लोग एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वे है एक सेट को रिप्रेजेंट करने का, दो वे है। जो फर्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, याद है किसी को पढ़े आप लोग? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरा तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं, रूल मेथड। समझ में आ रहा है? सो मेनली हम लोग इसको सेट बिल्डर ही बोलते हैं। अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो सेट बिल्डर के नाम से ही जाना जाएगा, और इसको रोस्टर फॉर्म के नाम से ही जाना जाता है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे दो वे देखेंगे एक सेट को रिप्रेजेंट करने का, दो वे है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं इसको, और दूसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट जो वे है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, वो क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखो हेडिंग दीजिए आप लोग, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आया सबको? देखो रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म क्या है एक्चुअली वो हम लोग अब क्लियर करते हैं। देखो बोल रहा है कि इन दिस फॉर्म, ओके हम लोग लिखते हैं पहले इसको, अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको ऑलरेडी। सो बोल रहा है इन दिस फॉर्म, ओके द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, द एलिमेंट्स ओके ऑफ द सेट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर enclosed in curly bracket। मैंने आपको बताया इसके सारे जो एलिमेंट होंगे क्या होगा, curly bracket में होंगे। ये curly bracket होता है ना, पता है ना आप सबको? Yes sir। Okay curly bracket, okay after separating them by commas। मैंने आपको बताया कुछ कुछ पॉइंट्स जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये देखा था
मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एक एलिमेंट्स को बीच बीच में हम लोग क्या देते हैं, कॉमा। तो ये जो फॉर्म हम लोगों ने उस समय देखा था वो एक्चुअली क्या था, वो रोस्टर और टेबलर फॉर्म बोलते हैं इसको, जो हम लोगों ने देखा था ना। मैंने सेट बनाया था ऑल टीचर्स इन माई स्कूल का, तो सारे जो टीचर्स थे वो कर्ली ब्रैकेट में थे और हर एक टीचर के बीच में कॉमा था। तो ये जो फॉर्म तरीका, ये जो तरीका है, ये जो वे है, इसी वे को हम लोग बोलते हैं रोस्टर और टेबलर फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नंबर्स ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मान लो ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन सा बोलो तो, यहाँ पे एलिमेंट्स कौन सा, इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना। और हर एक एलिमेंट को देखो मैंने कॉमा से सेपरेट किया है, और हर एक एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट, सारे नंबर्स को, सारे एलिमेंट्स को मैंने जब कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये जो वे है रिप्रेजेंट करने का एक सेट को, दिस इज रोस्टर और टेबलर फॉर्म। और मैंने बताया था आपको इस सेट को मैंने रिप्रेजेंट करता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर का क्या करना है, तो मैं ई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ई, बोलो, क्योंकि इवन नंबर्स लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पूरा सेट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मान लो होल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, होल नंबर को हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, और इसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये कंटिन्यू रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट में है, यस, सारे एलिमेंट्स को मैंने कॉमा में लिखा है, यस, ओके, और इस सेट को मैंने कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया है, यस। तो दिस इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, ओके। सो अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म समझ में आ गया है, ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. देखो, अच्छा मैं आपको कुछ नोट कर रहा हूँ, वो नोट कर लेना आप लोग, ठीक है बाबू। रोस्टर एंड टेबलेट फॉर्म के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है बोला जा रहा है यहाँ पे, लिखिए आप, ओके, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट, ओके, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन, दिख रहा है सबको ना, ओके, अभी दिख रहा है, ओके, आर रिटन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है बोलो, कि जैसे हम लोग एक सेट बनाएंगे ना, तो सेट बनाएंगे तो उसमें ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं, मतलब ऑर्डर कोई जो है ज्यादा इशू नहीं है, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो मैं वॉयल्स लिख रहा हूँ, तो अगर मैं वॉयल्स पूछूं तो कोई बच्चा हो सकता है स्टार्ट करे यू से, फिर बोले आई है सर, ओ है, फिर ई है, फिर ए है, तो क्या ये वॉयल्स में नहीं आते हैं क्या, चेक करो तो सर, आता है ना, तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता इसमें। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन, मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को रिटन लिख रहे हैं हम लोग, वो ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर एक समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे अगर एक सेट है एबीसी, एक सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है, एबीसी, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर उस सेट को हम लोग बी कॉमा ए कॉमा सी लिखे तो भी ठीक है, अगर उस एलिमेंट्स को हम लोग सी कॉमा ए कॉमा बी लिखे तो भी वो ठीक है, कोई गलती नहीं है, ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, चलेगा, ठीक है। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ है आपको सबको? यस सर। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या बताया मैंने आपको,
एन एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, ओके, इज रिटेन ओनली वंस. देखो इस वर्ड को फिर अंडरलाइन करना है. वंस का मतलब क्या है? अगर एक सेट है, मान लो एक सेट है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, समझो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो मैं समझाता हूँ, वेट, मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ. देखो देखो, अगर मैं बोलूं कि एक नंबर है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी, ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सेट दिख रहा है, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी, फिर से, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिटन ओनली वंस. अगर ये देखो ए और ए क्या दो बार है ना, तो उसको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है. बी और बी देखो दो बार है, इसको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है. तो इस पूरे सेट को फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे ठीक करके लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, समझ में आया? मतलब एक एलिमेंट जो होगा वो एक ही बार लिखाएगा, एक ही बार हम लोग लिख सकते हैं उसको, दो बार नहीं लिखना है, समझ में आया आपको? तो ये दो रूल्स है, ये दो इसको आप नोट कर लो. पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, ऑर्डर मेंटेन, मतलब ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि एलिमेंट, एक सेट का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा एक ही बार लिखा जाएगा. अगर बहुत ज्यादा बार लिखा हुआ है, जैसे मान लो ए दो बार था बी दो बार था, तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे उसको. रिप्रेजेंट करने का ये रूल है कि एलिमेंट्स जो होंगे एक सेट के वो एक ही बार हम लोग लिखेंगे उसको, समझ में आपको? आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्या और एग्जांपल्स में समझाऊं आपको? ओके मैं आपको समझाता हूँ. पहले यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लो बाबू, यहाँ तक कॉपी कर लो. ओके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप लोग, इसके बाद फिर हम लोग आगे और अच्छे से क्लियर करते हैं इस पॉइंट. सर फिनिश कॉपी. संजीता हो गया बाबू, शैन माजी, सरोज पॉल. Yes, अच्छा अभी वो मीटिंग आईडी में एक बच्चा ज्वाइन किया था श्रेयांश श्रीवास्तव, और यहाँ पे अभी नहीं आया है. सर हमको लगता है वो रवि सर का बैच का बच्चा था. ओ ऐसा क्या? ओके कोई नहीं, चलो ठीक है. सो कोई नहीं, चलो तो यहाँ तक कॉपी हो गया, सबका पेज चेंज करें. यस यस सर. सर लगता है वो रवि सर का क्लास करेगा तो पहले खुश किया था. हाँ कोई बात नहीं, ठीक है. सो यहाँ पे देखिए, सो मैं अगर मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है, अलाहाबाद, ठीक है. अब मैं बोलूँ इसके लेटर्स को, यहाँ पे जो जो लेटर्स यूज किया है उसको सेट में लिखने के लिए, तो आप क्या क्या लिखोगे इसमें बताओ? ए लिखोगे, एल लिखोगे, एच लिखोगे, ए एल एच ई डी, है ना? और कुछ लिखोगे क्या? मतलब ए को देखो तीन बार, वो थ्री टाइम्स लिखा हुआ है, तीन बार लिखा है क्या? नहीं सर. नहीं ना, ओके. अच्छा अगर एक बच्चा, यहाँ पे देखो, अगर आदित्य प्रकाश ने ऐसे लिखा है, ठीक है, और संचिता विश्वास ने लिखा है बी कॉमा डी कॉमा एच कॉमा एल कॉमा ए, ठीक है, और सरोज पॉल ने क्या किया है, इसी चीज को उल्टा लिखा है, मतलब बीच में स्टार्ट किया है, बोला कि नहीं सर मेरा फेवरेट लेटर जो है वो एच है, हम एच से स्टार्ट करेंगे, तो एच कॉमा एल कॉमा ए कॉमा बी कॉमा डी, ठीक है. और कौन बच्चा है? सरोज पॉल हो गया, आदित्य प्रकाश. आदित्य प्रकाश देखो कैसे करता है, वो बोलता नहीं सर मेरा नाम आदित्य प्रकाश है, हम पहले ए से लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद पहले लिखेंगे बी क्योंकि एक बाद बी आता है, ओके, उसके बाद बोला कि सर हम पहले इसके बाद डी लिखेंगे, बोले चलो ठीक है, इसके बाद एच आता है, उसके बाद एल आता है, ठीक है, ऐसे लिखा है, समझ में आ रहा है? तो क्या ये चारों के आंसर है? यहाँ पे मतलब चीज को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया है, तो ये चारों क्या अलग अलग है? मतलब ऑर्डर मेंटेन इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको उसी समय कि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ गया?
ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्लियर हुआ ना? बट अगर एक बच्चा, समझो यहाँ पे, अगर एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, ए कॉमा ए कॉमा ए, बोला सर ए तो तीन बार है और एल दो बार है, तो एल कॉमा एल और एच एक बार है, बी एक बार है और डी एक बार है, तो क्या ये सही है? समझ में आया सबको? यस सर। यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ये गलत हो रहा है, ठीक है? गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी दो पॉइंट देखा, क्या बोला है, क्या बताया गया उसमें। पहला फर्स्ट पॉइंट बोला गया कि ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेकंड पॉइंट बताया था उसमें, देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक ही लेटर्स को हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। देखो एच एक बार है, बी एक बार है, डी एक बार है, बट एल दो बार है और ए तीन बार है, तो ये तरीका नहीं चलेगा। हाँ ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, है ना? ऊपर के चारों जो सेट्स का जो एलिमेंट, मतलब सेट्स का जो हम लोगों ने अरेंज किया है एलिमेंट्स को, वो सही है, बट नीचे वाला सही नहीं है। समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर? अभी हेडिंग दीजिए आप सेकंड मेथड, जो सेकंड वे है वो आपका होगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? चलो अभी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है ये समझते हैं। सो पहले इसको हम लिखते हैं क्योंकि आपको समझना है और साथ साथ नोट भी करना है ना। सो लिखिए इसमें कि इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल एलिमेंट्स, द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ the set of the set are not written. So, उसके बाद बोला गया है but a statement, but a statement और a formula. यहाँ पे क्या होगा, formula से हम लोग represent कर सकते हैं, है ना? और ए रूल, ठीक है, इज रिटेन, एक फॉर्मूला लिख सकते हो या उसके बगल में एक, उसके जगह पे एक रूल लिख सकते हो या एक स्टेटमेंट लिख सकते हो जिससे पूरा जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है? इज रिटेन इन in the briefest possible, okay, ठीक है सबको? Yes, sir. Possible way, okay, to represent the elements, to represent the elements of the set. पहले यहाँ तो कॉपी कर लो, पेज टर्न करके फिर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है? पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, ये सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन कॉपी कर लो, इसके बाद समझते हैं हम लोग। हो गया सबका?
हो गया सबका, कॉपी हो गया, पेज चेंज करें। आदित्य प्रकाश सबका हो गया बाबू, संजीता विश्वास, सरस पॉल, सैन मांझी, आप लोग की आवाज नहीं आ रही बाबू मुझे, यस और नो आंसर करो। ओके सो अब हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है? ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है ये समझते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिए। अगर मैं बोलूं, ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो रोस्टर फॉर्म था वो हम लोग लिखते हैं। एक सेट है जिसमें मैंने क्या किया है, नेचुरल नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना? यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म है बाबू, रोस्टर है ना, रोस्टर फॉर्म है, वेरी गुड। ओके तो रोस्टर फॉर्म ये है, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा ये देखो। इसमें बोला गया था कि इन दिस फॉर्म द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट रिटन, मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो नहीं लिखना है हम लोगों को, है ना? डेफिनेशन को देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट रिटन, वो लिखा नहीं रहेगा, ठीक है? बट ए स्टेटमेंट, ए फॉर्मूला और ए रूल, इसको अच्छा से अंडरलाइन करना, बट ए स्टेटमेंट, ए फॉर्मूला और ए रूल इज रिटन इन द ब्रीफेस्ट पॉसिबल वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो इसी चीज को यहाँ पे देखो, इसी सेट को, ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी सेट जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बोले जा रहा है एक सेट है ए, ओके, सेम इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या लिखते हैं, बट क्या बोला गया था इसमें, स्टेटमेंट पढ़ो फिर से, मैंने क्या डेफिनेशन बताया, कि द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट रिटन, है ना? मतलब जो जो एलिमेंट्स है वो नहीं लिखना है, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे या एक रूल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 to 6, और ये 1, 2, 6 इसका मतलब ये सारे नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं क्या, देखो तो yes. है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x belongs to, या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि x belongs to capital N, इसका मतलब जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस सारे एलिमेंट्स को हम लोग यूज एज्यूम कर रहे हैं कि वो सारा क्या है, एक्स है। तो हम लोग लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब एक्स जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गया ना, ये कहां तक गया है बोलो, 6 तक गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो कि एंड एक्स लेस देन 7, ये एक्स का जो वैल्यू है, नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा, है ना? और यहाँ पे देखो इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, तो बोल रहा है x belongs to natural number, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा कि x such that x belongs to n, मतलब फिर से समझो यहाँ पे x such that, ये सिंबल को देखो, यहाँ पे देखो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं such that, पता है कि नहीं? Yes, सिंपल को क्या बोलते हैं, सच दैट। तो बोल रहा है कि x मतलब इसका जो एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बोला गया है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट्स को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं x, तो बोल रहा है इसका हर एक एलिमेंट x सच दैट, मतलब ऐसा होगा, अब देखो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक जाएगा, तो ये भी लिखा हुआ है x less than
सेवन, समझ में आया आपको? तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, क्या हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 7। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a, ठीक है, x सच दैट, ठीक है, x ग्रेटर देन, ग्रेटर लिखो 0 और लेस देन 7, ये भी चलेगा। कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे वो मैं बता रहा था, x such that, ठीक है, one less, मतलब greater than equal to x less than seven, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो x such that one, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये अलग अलग वे है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, ये अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और मैंने जो बताया वैसे भी कर सकते हो। बोलो समझ में आया सबको? अभी कोई डाउट? देखो मैंने सारे जो पॉसिबल स्टेटमेंट बन सकते हैं सारे पॉसिबल स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया। और कोई डाउट है किसी को? बोलो कि और कोई तरीका है रिप्रेजेंट करने का, सोचो तो। देखो कोई बताओ। सर x says that zero, x is greater than zero and less than equal to six. हाँ ये भी कर लिख सकते हो, वेरी गुड। और कोई बताओ? है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कोई? पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ साथ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है ये सारे, ये तो मेंशन कर दिया, बट मैंने ये नहीं मेंशन किया कि इसके एलिमेंट्स किस में है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी यहाँ पे जो आप नंबर्स यूज कर रहे हो ना रोस्टेड फॉर्म में बोल देगा ऑलरेडी कि नेचुरल नंबर्स के सेट है, नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स है। तो आपको ये वाला पॉइंट मेंशन करना ही होगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये मेंशन करना पड़ेगा सब में, x belongs to n, ठीक है, x belongs to capital N, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बोल देगा ऑलरेडी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, समझ में आ रहा है? यस सर कंपलसरी। यस बाबू सर कंपलसरी। हाँ अगर बोल देगा नेचुरल नंबर है तो आपको लेना ही होगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे समझो, ठीक है, एक सेट है ए, ठीक है, दिख रहा है आपको, इसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। ये 2, 3, 4, 5 किस में बिलोंग करते हैं बताओ? अगर वो बोल देगा कि सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के हैं, नेचुरल नंबर्स के हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ये वाला कौन सा फॉर्म है बताओ पहले? रोस्टर फॉर्म है ना।